हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल रेनू होम रेमेडी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर पैक शेयर करने वाली हूँ जो आपके सफ़ेद बालों को काला करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मार्केट की हेयर डाई लगाने से आपके बाकी के बचे का बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। हम आज आपके साथ एक ऐसा हेयर पैक शेयर करेंगे जो बिल्कुल ही नेचुरल है। दोस्तों, आंवला विटामिन सी से भरपूर कई पोषक तत्व का खजाना है। आंवला हमारी आंखों की रोशनी और बालों की हर तरह की प्रॉब्लम और हमारी स्किन को निखारने में मदद करता है। आंवला हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तों, आज हम आंवला से एक नेचुरल हेयर पैक बनाएंगे जिसके इस्तेमाल से हम अपने बालों को कुदरती रूप से काला कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आंवलों का अच्छी तरीके से धोकर उनका एक महीन सा पेस्ट तैयार कर लिया है और अब मैं इसको एक मलमल के कपड़े में रख के इसका जूस निकाल लूँगी। आप चाहे तो स्ट्रेनर की हेल्प से भी इसका जूस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कपड़े की हेल्प ले रही हूँ इसका जूस निकालने के लिए। फ्रेंड्स, आपको उतना ही जूस लेना है जितना कि आपको बालों में लग जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आंवला का जूस निकाल लिया है और अब हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो हमारे बालों को कुदरती रूप से काला करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आंवला का जूस हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फ्रेंड्स, ये हमारे बालों को ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे बालों को काला करता है और हमारे बालों में शाइन करता है। ये है बीट रूट का पाउडर। अब मैं इस बीट रूट को एक चम्मच इस आंवला पाउडर में ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, बीट रूट का पाउडर आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक चम्मच बीट रूट का पाउडर ले लिया है जो कि मैं अब इस आंवला के जूस में मिला रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं सेकंड चीज़ जो ऐड कर रही हूँ वह है भृंगराज का पाउडर। भृंगराज का पाउडर भी हमारे बालों को कुदरती रूप से काला करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ये हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, हमारे बालों को लंबा और काला घना बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। ये भी आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आसान से मिल जाएगा। और अब मैं इन बीट रूट का पाउडर और जो हमने इसमें भृंगराज का पाउडर इसमें ऐड किया था आंवला जूस में, हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। आपको इनको अच्छे तरीके से मिला लेना है ताकि ये आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए। अगर ये थोड़ा सा ठीक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो। और ऐड करूँगी नींबू का रस। जी हाँ फ्रेंड्स, नींबू से हमारे बाल झड़ते नहीं हैं बल्कि हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ आती है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी इस हेयर पैक से। यहाँ पे मैं आधा नींबू का जूस निकाल रही हूँ, आधा नींबू का। यहाँ से मैंने बीज निकाल लिए, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बीज आ गए थे। और मैं इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी जब तक कि ये आपस में अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। और आपको इसको थोड़े से आधे घंटे के लिए ऐसे ही रेस्ट करने के लिए छोड़ देना ताकि ये आपस में अच्छे तरीके से मिल जाए। और आधे घंटे के बाद आपको अपने से इसको साफ़ सुथरे बालों पे, जिस तरीके से हम अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं या फिर डाई लगाते हैं, उसी प्रकार से आपको अपने बालों में इसको अच्छे तरीके से मांग निकाल के लगानी है। आप चाहे तो किसी ब्रश के हेल्प से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने हाथों की फिंगर टिप से ही इसको लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, इसको लगाने के बाद आपको 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ना है और सूख जाने के बाद आपको नॉर्मल पानी से ही वॉश करना है अपने हेयर को। और फ्रेंड्स, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब भी इसको वॉश करो तो आप किसी भी साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल ना करें और आपको इसको बिल्कुल नॉर्मल पानी से ही धोना है। आप चाहे तो अगले दिन आपको साबुन या शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप इसको अप्लाई करते हो उस दिन आप प्लीज़ नॉर्मल पानी से ही इसको धोए अच्छे रिजल्ट के लिए। अगर आप चाहे तो इसको 15 दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये थी मेरी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो सबसे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।